नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि वह धन क्या है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक ब्याज की दर से 660 रुपये है, ठीक है। उसने हमें क्या दिया गया है, सिर्फ हमें उसने रेट दिया है, कितना दिया है 10%। और दूसरी चीज उसने हमें दी गई है सेकेंड वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 660 रुपये, ठीक है। दो चीजें उसने हमें दी हैं, तो हमने वो चीजें यहां पर लिख ली हैं। अब जब हमें धन यानी मूलधन निकालना पड़ता है तो इसके लिए एक सूत्र होता है, मूलधन बराबर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज गुणे 100 भागे 1 प्लस r भागे 100 गुणा में r, ठीक है। तो यह सूत्र आप लिख लीजिए कहीं, इंपोर्टेंट सूत्र है, ऐसे प्रश्नों में इस सूत्र को हम लगाएंगे, ठीक है। जब हमें दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो, या हमसे मूलधन पूछ दे, या मूलधन दे दे, रेट हमसे निकालने को कह दे, तो हम इसी सूत्र को लगाएंगे। अब हमारे पास दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है, 660 रुपये गुणा 100 भागे 1 प्लस, रेट क्या है 10 भागे 100, और यहां गुणा 10 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 10 एकम 10 एक 11 हो जाएगा। तो 660 गुणे 100 भागे 11 बटे 10 गुणा 10, तो 10 से 10 कटेगा, 11 से कटेगा, 11 66 60, तो यहां बचा 60 गुणे 100 बराबर क्या हो गया 6000, ठीक है। तो ये हमारा मूलधन निकल के आ गया, ठीक। तो आपको इस प्रश्न में कुछ नहीं करना है, यह जो फॉर्मूला है यह आपको याद रख लेना है कि मूलधन बराबर दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट गुणे 100 भागे 1 प्लस r भागे 100 मल्टीप्लाई r, ठीक है। इस फॉर्मूले को सॉल्व कर देंगे तो हमारा मूलधन निकल आएगा। एक दूसरी सिंपल मेथड भी होती है, हम यहाँ मान के चलते हैं, यहाँ पर सेकंड मेथड लगाते हैं कि जो हमारे मूलधन है वह कितना है, 100 रुपये है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर मान लिया है कि जो हमारा मूलधन है वह कितना है, 100 रुपये है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो अब पहले वर्ष कितने रुपए ब्याज मिलेगा, तो पहले वर्ष 10 रुपये ब्याज मिलेगा। अब जब द्वितीय वर्ष की बात आएगी तो यह दो टाइप का इसमें ब्याज मिलेगा, एक बार तो मिलेगा इस 100 रुपये पे 10 रुपये, और दूसरी बार इस 10 रुपये पे भी 1 रुपये ब्याज मिलेगा। तो दोनों को मिला के टोटल कितना ब्याज मिल गया, तो दोनों को मिला के टोटल मिला 11 रुपये ब्याज मिला, ठीक है। ये हमने निकाल लिया, ये दूसरे साल का ब्याज है 11 रुपये, मूलधन कितना था 100 रुपये। अब हमें दिया क्या गया है, तो जो दिया गया उसका भाग, ये 660 रुपये क्या दिया गया है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो यहाँ पर 11 का भाग दे देंगे। पूछी हमसे राशि गई है यानी हमसे मूलधन पूछा गया है, तो 100 का हम कूड़ा कर देंगे, सिंपल था। और 11 से काटेंगे, 11 66 60 60 गुणे 100 बराबर 6000, बस ऐसे आपको यहां पर लगा देना है। तो हमने आपको दोनों विधियों से बता दिया, एक सूत्र भी बता दिया, और यह हमारे एक शॉर्ट मेथड भी ही थी, उसको भी आपको बता दिया कि आप इसको 100 मान के भी लगा सकते हैं। 100 माना, पहले वर्ष का ब्याज मिला 10 रुपये, दूसरे वर्ष का 10 रुपये तो मिल जाएगा 100 पे, और इस 10 पे भी 1 रुपये मिलेगा, यानी कुल 11 रुपये मिला। अब उसने हमसे कहा था कि दूसरे वर्ष का कितना है 660, तो 660 में 11 का भाग दे दिया, 100 का गुणा कर दिया, आंसर निकल के हमारा आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।